तो दोस्तों 19 सितंबर से आईपीएल 2020 का सीजन शुरू होने वाला है और दोस्तों आईपीएल 2020 के लिए अब सभी टीमों ने अपना एक बड़ा ही खतरनाक स्क्वाड तैयार कर लिया है और आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन से होने वाले हैं वह पांच खिलाड़ी जो अपनी अपनी टीमों के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों यह सभी खिलाड़ियों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीम चैंपियन बन जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर इस लिस्ट में हम सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बारे में बात करें तो अगर दिल्ली के पांच खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है खुद कप्तान श्रेयस अय्यर का, जिनकी हर साल काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों ऋषभ पंत का, जो इनके लिए बिल्कुल एक मैच विनर उभरे हैं। तीसरे नंबर पर होने वाले हैं दोस्तों कगिसो रबाडा, जो इनकी पेस बॉलिंग को लीड करने वाले हैं। चौथे नंबर पर नाम आता है दोस्तों रविचंद्रन अश्विन का, जो यूएई में बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। और पांचवें नंबर पर आता है नाम शिमरॉन हेटमायर का। हेटमायर दोस्तों कभी भी मिडल ऑर्डर को एक्सेलरेट कर सकते हैं और यह हो सकते हैं वह पांच खिलाड़ी जो दिल्ली की टीम के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर दिल्ली की टीम के बाद बात करें टीम किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाड़ियों की तो केएक्सआईपी की लिस्ट में आते हैं सबसे पहले दोस्तों खुद कप्तान केएल राहुल, जो हर साल अब ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है दोस्तों क्रिस गेल का। तीसरे नंबर पर होने वाले हैं दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल। चौथे होने वाले हैं दोस्तों निकोलस पूरन और पांचवे होने वाले हैं क्रिस जॉर्डन। तो दोस्तों पंजाब के लिए यह पांच वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस साल इनके लिए सबसे खतरनाक खिलाड़ी भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात करें टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों की तो सीएसके की लिस्ट में आते हैं सबसे पहले दोस्तों मिस्टर आईपीएल सुरेश रायना। दूसरे पे होने वाले हैं दोस्तों कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनका हर साल चेन्नई की टीम के लिए काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन रहता है। तीसरे नंबर पर होने वाले हैं दोस्तों सैम करन, जो यूएई की स्लो पिचेस पर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। चौथे नंबर पर होने वाले हैं दोस्तों इमरान ताहिर और पांचवे होने वाले हैं दीपक चहर। तो सीएसके की टीम के लिए पांच खिलाड़ी सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात करें टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की तो आरआर की लिस्ट में होने वाले हैं सबसे पहले होने वाले हैं दोस्तों जॉर्ज द बॉस बटलर। दूसरे होने वाले हैं बेन स्टॉक्स, जिन्होंने अपनी क्रिकेट में बिल्कुल धमाका मचाया हुआ है। तीसरे होने वाले हैं दोस्तों श्रेयस गोपाल। चौथे होने वाले हैं दोस्तों संजू सैमसन और पांचवे होने वाले हैं स्टीव स्मिथ। तो दोस्तों अब अगर इसके बाद सनराइजर हैदराबाद की टीम के बारे में बात करें तो एसआरएच के लिए होने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों खुद कप्तान डेविड वार्नर, जो हर साल दबा के रन बनाते हैं। दूसरे होने वाले हैं जोनी बेयरस्टो, जिन्होंने पिछले साल कमाल का प्रदर्शन किया था। तीसरे होने वाले हैं राशिद खान, जो यूएई में वैसे ही बड़े खतरनाक होंगे। चौथे होने वाले हैं मनीष पांडे, जो इनके मिडल ऑर्डर को गिरते संभलते बचाने वाले हैं। और पांचवे होने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों अब अगर इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के बारे में बात करें तो आरसीबी की टीम के लिए होने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों खुद कप्तान विराट कोहली, जो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज रहने वाले हैं। दूसरे होने वाले हैं दोस्तों इनकी रीढ़ की हड्डी अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। तीसरे रहने वाले हैं दोस्तों एरॉन फिंच, जिनके ऊपर हर मैच में एक ज़बरदस्त स्टार्ट देने की एक काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहने वाली है। चौथे होने वाले हैं दोस्तों मोइन अली, जिनको पिछले साल की ही तरह इस बार भी आईपीएल में आरसीबी के मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और पांचवे होने वाले हैं युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों अब अगर इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो केकेआर की लिस्ट में आते हैं सबसे पहले दोस्तों इयान मॉर्गन, जो इनके मिडल ऑर्डर को काफ़ी अच्छा संभाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों आंद्रे रसल, जो लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। तीसरे होने वाले हैं कुलदीप यादव, जो काफ़ी खतरनाक होंगे यूएई कंडीशंस में। चौथे होने वाले हैं दोस्तों सुनील नारायण और पाँचवें हो सकते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल का भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है और वो अच्छा काफ़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मुंबई इंडियंस टीम के बारे में बात करें तो एमआई के लिए होने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों रोहित शर्मा, हालांकि ये स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं लेकिन इनके लिए सबसे खतरनाक खिलाड़ी तो होने ही वाले हैं। दूसरे होने वाले हैं दोस्तों जसप्रीत बुमराह। तीसरे होने वाले हैं दोस्तों हार्दिक पांड्या।
चौथे होने वाले हैं दोस्तों सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पिछले साल काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है उससे पिछले साल भी। और पांचवे होने वाले हैं ट्रेंट बोल्ट। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम के लिए पांच खिलाड़ी सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं, और यह होने वाले हैं वह पांच पांच खिलाड़ी जो अपनी अपनी टीमों के लिए एज अ सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी इस साल के आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बना सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।